तो दोस्त से मैंने ये सोचा था कि मैं ये स्कूटी वाला ब्लॉग वहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा, वहीं पे ही एंड कर दूंगा, शुरू में ही एंड कर दूंगा, सॉरी, हाँ शुरू में ही एंड कर दूंगा। लेकिन कल मेरे को जाना है ग्रेटर नोएडा, और किसी का एग्ज़ाम है उसके लिए जाना है मेरे को ग्रेटर नोएडा। तो चलो, आगरा नहीं हो पाए तो क्या, ग्रेटर नोएडा ही चलते हैं। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 8, और मैं देख रहा हूँ स्प्लेसुला देख रहा हूँ, ठीक है, स्प्लेसुला X5 देख रहा हूँ, और खाना आने वाला है तो स्प्लेसुला देख रहा हूँ, ठीक है, फिर कपिल शर्मा देखूँगा, सनी देओल वाला, और फिर सो जाऊँगा। कल ग्रेटर नोएडा जाना है। ये व्लॉग अभी एंड नहीं होगा, ठीक है, ये व्लॉग अभी चालू होगा, मंडे को डालूँगा, और कुछ आने वाला है, ठीक है, कुछ आने वाला है सितंबर में, तो ज़रूर वो करना। तो यार, 200 के लिए सिर्फ 2 सब्सक्राइबर बाकी है। राम राम सारे नेते, मैं हूँ आपका दोस्त और दोस्त बस इतना मिनट और से क्या एक नया ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बहन का जो कॉलेज है, कॉलेज का जो सेंटर है वो KCC परा है, वहाँ पे वो अपना एग्जामिनेशन देने गई है, 11:30-12 बजे तक आ जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही हूँ, देखते हैं क्या सीन है। वॉट इज़ अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अभी बज रहे हैं 12, और मैं आया हूँ मॉल पे, अनसन प्लाजा मॉल पे आया हूँ, परी चौक में। और अभी बस होने वाले, लेने जाने वाला हूँ मेरी बहन को KCC इंस्टीट्यूट में, और मेरे पीछे मैकडोनल्ड है, मेरे पीछे मैकडोनल्ड है, तो उससे उसके लिए मैंने बर्गर फ्राइज़ और ख़ुद के लिए मैंने पानी ले लिया कोल्ड ड्रिंक ले लिया। तो देखो उसका कैसा सीन होता है। और मैंने भी पार्क गाड़ी पार्क की है मॉल के सामने बिल्कुल, तो शायद कोई उठाए ना, क्योंकि लोग भी वहाँ पार्क कर रहे हैं। और KCC की पार्किंग वो है आपकी एक्सपो पार्क, मतलब एक ग्राउंड बना हुआ है, एक गोल सा ग्राउंड बना हुआ है। आपको अगर आना है तो आपको वहीं पे पार्क करनी पड़ेगी। और ये मॉल सामने है, अंसर प्लाजा मॉल सामने है, ठीक है। तो देखता हूँ कब आती है वो, अभी 1 बजे आएगी, 1 घंटा है, तो देखो।